जीरो टॉलरेंस ड्रग्स के लिए नशा मुक्ति कंप्लीट, ये लक्ष्य सामने रख के हमारे मुख्यमंत्री साहब ने जो आदेश दिया हमें और हमारे डीजी साहब ने हमें जो ऑर्डर्स दिए हैं उसका पालन करते हुए हम पूरे अभी राजकोंडा पुलिस कमिश्नरेट में हमारे पुलिस स्टेशंस लॉ एंड ऑर्डर के उसके साथ साथ हमारी स्पेशल ऑपरेशन टीम्स भी ये ड्रग्स के ऊपर उन्होंने हमला बोला है। काफ़ी केसेस हमने इस बीच में बुक किए हैं। 2016 से जब से कमिश्नरेट खोला है हमने तब से हम गांजा के खिलाफ ड्रग्स के खिलाफ में हमारी कार्रवाई जारी है। अभी तक हमारे कमिश्नरेट में 160 से ज़्यादा केसेस हमने रजिस्टर करके 7500 केजी गांजा और बाकी ड्रग्स बहुत सारे ड्रग्स हमने सीज किए हैं। काफ़ी सारे रेव पार्टीज हमने बस किए हैं। 66 ड्रग्स ऑफेंडर पे हमने पीडी एक्ट का अमल किया है। यही रेड्स के चलते हुए हमारे स्पेशल ऑपरेशन टीम एलबी नगर ने जो विशाखापट्टनम एजेंसी एरिया से माडगुला मंडल से महाराष्ट्र के नागपुर जाने वाला एक अशोक लेलैंड मिनी व्हीकल सीज करके उस व्हीकल से 110 केजी गांजा बरामद किया है। उसके साथ साथ 3 मोबाइल फ़ोन और 1100 कैश भी सीज किया है। तकरीबन 18,50,000 का ये सामान यहाँ पे बरामद हुआ है। ये जो गैंग मिला है हमें, गैंग का जो प्रमुख सूत्रधार है उसका नाम है लुम्बाराम सोलंकी। ये जोधपुर राजस्थान का रहने वाला है और इसका साथी कृष्णाराम करके ये भी राजस्थान के जालौर जिला का रहने वाला है। ये लोगों को विशाखापट्टनम के माडगुला एरिया से एक बालन्ना करके शख्स इनको गांजा सप्लाई करता है और ये गांजा एक उत्तर प्रदेश का रशीद नाम के आदमी को ये लोग नागपुर में जाके महाराष्ट्र के वहाँ पर हैंडओवर करते हैं। ये जो लुम्बाराम सोलंकी है इसकी ट्रक उसने एक मंगीलाल नाम के आदमी को बेची थी जो पहले यही गांजा का धंधा आंध्र प्रदेश से राजस्थान लेके जाने का करता था। उसको मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर पुलिस स्टेशन वालों ने अरेस्ट करने के बाद ये लुम्बाराम उसको मुलाकात में कोर्ट में वहाँ जेल में जाके मिला और फिर उसने उसको बताया कि ये एजेंसी एरिया में विशाखापट्टनम ऐसा गांजा मिलता है और इसमें काफ़ी प्रॉफिट है। तो फिर ये लुम्बाराम ने अपना ये धंधा शुरू कर दिया। शुरू में वो आरटीसी बस से हैदराबाद यहाँ से फिर नागपुर माल लेके जाता था लेकिन आजकल वो उसने व्हीकल एंगेज किया है, वही व्हीकल अभी हमने पकड़ा है। तो इस रैकेट में बालन्ना और जो रशीद नाम के दो शख्स है सोर्स एरिया और डेस्टिनेशन एरिया के दोनों को अटक करना अभी बाकी है। इन अभी जो दो लोग हमने पकड़े हैं उनके खिलाफ हम जरूर पीडी एक्ट अमल करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनके खिलाफ हम मुकदमा चलाएंगे और कन्विक्शन के लिए पूरी हमारी कोशिश रहेगी। इसके साथ साथ आज हमने हमारे पार्टनर अमृता फाउंडेशन के देविका मैडम के साथ में ये नया सवेरा जो हमने इससे पहले प्रोग्राम किया था लॉकडाउन के पहले वो प्रोग्राम अभी हम दोबारा शुरू कर रहे हैं। जो जो कॉलेजेस स्कूल्स ओपन है वहाँ पे, जो ओपन नहीं है वहाँ पे ऑनलाइन पे ये प्रोग्राम अवेयरनेस के लिए ड्रग एब्यूज़ के बारे में सब्सटेंस एब्यूज़ के बारे में ये प्रोग्राम चलेगा और जहाँ जहाँ पे डी एडिक्शन की ज़रूरत है वो डी एडिक्शन के पेशेंट्स भी उनको अमृता फाउंडेशन के जरिए वो मदद की जाएगी। हफ्ते में एक दिन मंगलवार का दिन जो है मंगल का दिन हमने यहाँ पे डी एडिक्शन के लिए रखा हुआ है। जिसको इस सुविधा का लाभ लेना है वो हमारा व्हाट्सएप कंट्रोल नंबर 9490617111 ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और जिसको भी ड्रग्स के बारे में गांजा के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर देना है वो भी यही नंबर 9490617111 ये नंबर को देंगे तो उनका नाम हम सीक्रेट रखते हुए अगर कुछ एक्शनेबल हमें मिला तो उनको हम रिवार्ड भी दे देंगे। एनसीबी साथ साथ हमारे पार्टनर अमृता फाउंडेशन और राजकोंडा पुलिस हम मिल के पूरा ये अभियान नशा मुक्ति का चलाते हुए हमारे एरिया में पक्का जीरो टॉलरेंस ड्रग्स के लिए हम रखेंगे। ये अच्छे काम को अंजाम देने वाले हमारे एसओटी एलबी नगर के इंस्पेक्टर रवि कुमार, डीसीपी सुरेंद्र रेड्डी, अब्दुल्लापुर मेट इंस्पेक्टर
एल बी नगर के डीसीपी, इन सब को, इन सब का मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। अच्छा काम कर रहे हैं, भविष्य में भी, आने वाले दिनों में भी अच्छा काम वो लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। इसके साथ साथ हमने एक जो अभी मूवी बनाया हमारा मरो लोकम करके शॉर्ट फिल्म, शशांक रामानुजपुरम डायरेक्टर है, सना एक्ट्रेस और बाकी लोगों ने इसमें एक्ट किया है। ड्रग्स अवेयरनेस के बारे में काफ़ी अच्छी फिल्म है मरो लोकम, यूट्यूब में भी है, ये फिल्म जरूर आप देखिए। कुछ दिनों में ही हम एक इस फिल्म से एक 1.5 मिनट 2 मिनट का शॉर्ट फिल्म और बना के थिएटर से, मूवी हॉल से भी, कमर्शियल ब्रेक में ये मूवी हम रिलीज करेंगे। थैंक यू। गांजा का जो एक्ट है, नारकोटिक ड्रग्स सब्सटेंस, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून है। इसमें सेक्शन 31A के अंदर अगर रिपीटेड केस है तो आपको सजाए मौत भी हो सकती है। और आपने देखा होगा अभी एक एक महीना लोगों को बेल नहीं मिल रहे, कितना भी बड़ा हो, कानून के सामने सब एक जैसे है। तो इसलिए जिस जिसको कोई प्रेशर डाल रहा है ड्रग्स लेने का वगैरह, वो जरूर इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे, हम उनको उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई करेंगे। और जिनको डी एडिक्शन की ज़रूरत है वो लोग भी हमें अप्रोच हो सकते हैं। कंजम्पशन के लिए 1 साल का पनिशमेंट है। जो क्वांटिटी पजेशन है वो स्मॉल क्वांटिटी, मीडियम क्वांटिटी और लार्ज क्वांटिटी, कमर्शियल क्वांटिटी, ये 3 हिस्सों में है। कमर्शियल क्वांटिटी के लिए कम से कम 10 साल की सज़ा, और स्मॉल क्वांटिटी अगर है तो कम से कम 6 महीने की सज़ा आपको मिल सकती है। धन्यवाद।